स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल नया सवेरा सिविल सर्विसेज एजुकेशन पर। एज ऑलवेज मैं उपस्थित हूँ आज 14 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स लेकर। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी। इसके बारे में बाकी की डिटेल देख लेते हैं। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को पूरे विश्व में यूनेस्को द्वारा विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं, किसके द्वारा मनाया जाता है? ये यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। और वर्ल्ड रेडियो दो 2019 की जो थीम है वो है डायलॉग, टॉलरेंस और पीस। आजकल एग्जामिनेशन में थीम बहुत ज़्यादा पूछे जाने की प्रचलन बढ़ गया है, तो वर्ल्ड रेडियो डे 2019 का आप थीम जरूर याद रखिए, डायलॉग, टॉलरेंस और पीस। और कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 13 फरवरी को प्रतिवर्ष। आगे प्रश्नों पर चलते हैं। किस देश में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, वर्ल्ड मतलब विश्व की सारी सरकारें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये आयोजित किया गया दुबई में, वर्ल्ड गवर्नमेंट का 7वां सत्र। ये सत्र का नंबरिंग पूछ सकता है, कौन से नंबर का ये सम्मेलन था? तो ये था 7वां। दोनों आप याद रखिए, यह दुबई में आयोजित किया गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट, संयुक्त अरब अमीरात के में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र आयोजित किया गया। आयोजन में 140 देशों के 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। कितने कंट्री पार्टिसिपेट की? 140। इन प्रश्नों को आप ध्यान रखिए। हाल ही में एक्सरसाइज राहत का समापन किस शहर में हुआ है? एक्सरसाइज राहत जो कि राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर में इसका समापन हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस शहर में 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आरंभ किया गया? ये किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, और ये अंतर्राष्ट्रीय बांध सम्मेलन था तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ब्राज़ील में एक बांध टूटने की वजह से, खनन विभाग की लापरवाही से वहाँ 150 से 200 लोगों की जान जा चुकी है। इस वजह से प्रश्न अपने आप महत्वपूर्ण बन जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस भारतीय इतिहासकार ने इसराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019 जीता है? ठीक है, इसमें तीन चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहला, किस कंट्री का पुरस्कार है? इसराइल का है। पुरस्कार का नाम डैन डेविड पुरस्कार 2019, और किसने जीता? संजय सुब्रमण्यम ने। इसराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2019, संजय सुब्रमण्यम। और ये क्या है? ये है भारतीय इतिहासकार। कौन MRF चैलेंज का खिताब जीतने वाली पहली महिला ड्राइवर बनी है? ठीक है, पहली महिला ड्राइवर है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, जेमी चैडविक। इनका नाम क्या है? जेमी चैडविक, याद रखिए। आज का इम्पोर्टेंट जो नोट है ये है कि 16वीं लोकसभा, जिसका कि समापन हुआ है बुधवार को प्रधानमंत्री के भाषण द्वारा, उसमें कैग की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि राफेल सौदा, जो कि एक विवादों का पिटारा रह चुका है, उस पर कैग ने कहा है कि राफेल सौदा पहले की तुलना में सस्ता है। अर्थात जो सौदा मनमोहन सरकार में किया जा रहा था, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में वो सस्ता है, अर्थात सरकार को फायदा है। जबकि कई विपक्ष पार्टियां इस पे लंबे समय से विरोध जता रहे हैं कि इस सौदे में धांधली है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक फैसले में कह चुकी है कि ये सौदा जो है राफेल का, ये पूरी तरह से साफ सुथरा है, इसमें कहीं कोई लेन देन या धांधली नहीं की गई है। ये प्रश्न हम देख चुके हैं। इसराइल का डैन डेविड पुरस्कार भारतीय इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम को दिया गया है। अगला प्रश्न है, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता किया गया है? तो वो किया गया है भारत और नॉर्वे के बीच, समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए भारत और नॉर्वे के बीच समझौता किया गया। आज के करंट अफेयर्स के लिए हम इतना ही। हमारा हमेशा से ही उद्देश्य रहता है कि हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करें जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ना कि वीडियो से लंबी बनाने के लिए हम उन वेस्ट प्रश्नों को हम बिल्कुल भी शामिल नहीं करते। बहुत सारे चैनल जो कि ऐसा करते हैं, 20 मिनट का वीडियो बहुत सारे चैनल बनाते हैं लेकिन उनके प्रश्नों की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, वे कुछ भी डाल देते हैं अपने वीडियोस में, जबकि हमारा उद्देश्य नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।